तखत सच्चाखंड श्री हुजूर अचल नगर साहिब। तो यहाँ पे आए हैं हम। तो भाई अभी गुरुद्वारा के अंदर चलते हैं, हम दर्शन वर्शन करेंगे और हो सके तो लंगर भी चखेंगे। और ये 6 नंबर गेट है दोस्तों, यहाँ पे 6 गेट है, हर गेट का अलग अलग रास्ता है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई 6 नंबर गेट के पास ही जूता घर है, यहाँ पे आप अपना जूता वगैरह रख सकते हो। और ये देख रहे हो आप, बिल्कुल अमृतसर जैसा थोड़ा फील आ रहा है। यहाँ पे मार्केट भी लगा हुआ है, ये देखिए। और ये अपना 6 नंबर गेट देखिए दोस्तों। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। इस वक्त हम, जैसे कि आपको बताया हूँ, हुजूर साहिब नांदेड़ में आए हैं। और ये देखिए, सर पे खंडा बांधना जरूरी होता है। तो भाई यहाँ पे मोबाइल चलाना तो अलाउ नहीं है ज़्यादा, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मेन है और यहाँ पे 6 गेट है दोस्तों। चलिए अभी लंगर की तरफ चलते हैं हम, और उसके बाद ट्रस्ट का ही धर्मशाला है उसको देखेंगे। देखिए ये गेट है, ऐसे कुल तरह के 6 गेट है दोस्तों, और निरंतर यहाँ पे लंगर चलते रहता है। देखिए गुरु का लंगर करके सामने दिख ही रहा है। देखिए दोस्तों ये गेट देखिए, ये लंगर है दोस्तों। यहाँ वीडियोग्राफी देख सकते हो, मना है, ज़्यादा मोबाइल चला नहीं सकते यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से प्लेट लेके जाना पड़ता है, अपनी अपनी प्लेट लेके अंदर चलते हैं। तो लंगर से दोस्तों हमने लंगर चख चुके हैं। और देखिए ये 3 नंबर गेट है, ऐसे सभी तरफ गेट है आपको बताया। और अभी रात का समय है तो ज़्यादा कुछ आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक तरह का यहाँ पे पॉजिटिविटी है दोस्तों। एक बार जरूर आए हो यहाँ पे, जो आया ना हो। गेट देख सकते हो दोस्तों, कितना सुंदर गेट है। और सामने ऐतिहासिक बावली, कोई बावली है देखिए, कौन सी बावली है पता नहीं, हिस्टोरिकल है लेकिन। अच्छा ये अंदर रास्ता जाता है दोस्तों, ये कोई बावली को रास्ता जाता है। और ये 6 नंबर का गेट और 1 नंबर का गेट ये ज़बरदस्त है। और सामने सच्चाखंड हुजूर साहिब। लंगर हो गया दोस्तों और दर्शन भी कर लिए, लेकिन दर्शन में कैसा है, मोबाइल अलाउ नहीं है तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। तो अभी कैसा है, अभी हम जहाँ रुकने की बात की है, ट्रस्ट के तरफ से ही धर्मशाला टाइप है, यात्री निवास टाइप, तो वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का कैसे क्या है। गुरुद्वारा के पीछे पीछे हम जा रहे दोस्तों, 3 नंबर गेट पर जाना है जो मैं दिखाया था अभी। 6 नंबर गेट से हम निकले वापस, क्योंकि 6 नंबर से ही गए थे, उधर ही गाड़ी जाना है। पूरा गुरुद्वारा है दोस्तों, अब देखते हैं वहाँ पे रास्ता है क्या, या तो रास्ता है क्या, दीवार पार करके जाना पड़ेगा। तो 3 नंबर पे अपने को धर्मशाला पंजाब भवन करके मिल जाएगा बोलते हैं। तो दोस्तों ये 3 नंबर गेट है, और 3 नंबर गेट से राइट में मुड़ना है, यहाँ पंजाब भवन है बोलते, ऐसा बताया है सेवादारों ने। तो वहीं चल रहे हैं हम अभी।
रहने की व्यवस्था करने के लिए। ये देखिए ये लंगर पीछे साइड है, लंगर का एरिया है ये। आपको आवाज़ आ रही होगी बर्तनों की, ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियोग्राफी मना है उनकी। ये देखिए अंदर में लंगर चालू है दोस्तों, जिस जहाँ से हम लंगर चक के आए हैं। पापा इधर खेला क्यों है इस घर में? और काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन दिखता है ये। और इनका नाम है तखत सचखंड श्री हुजूर अबचल नगर साहिब नांदेड़। हम तो सिर्फ हुजूर साहिब नांदेड़ के नाम से ही जानते हैं। तो भाई हमको रुकने की जगह मिल गई है, पंजाब भवन करके ये जगह है। और गुरुद्वार के जस्ट थोड़ा सा बाय वॉक करके जाऊंगे तो आपको 200 मीटर पे जगह मिल जाएगी। ये देखिए एसी रूम है यहाँ पे। मैं सुबह व्यू दिखाऊंगा आपको यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो दोस्तों रात को रुकने की व्यवस्था यहाँ पे गुरुद्वारे के पास पंजाब भवन करके है। वो देखिए दो रूम लिए थे हमने और ये एक रूम है। 750 रुपये में दोस्तों एसी रूम मिला है। और एक रूम में हम 5 लोग हुए हैं, डबल बेड का है। ये पीछे का एरिया है, ये बालकनी है, ये देखिए ये बालकनी देखिए, और ये डबल बेड, ये देखिए दोस्तों डबल बेड है और साफ सुथरा रूम है। 750 रुपये में बजट वाला रूम है ये। बाथरूम भी दिखाता हूँ आपको, देखो भाई। और ये बाथरूम भी देखिए कितना साफ सुथरा है, देखिए बाथरूम भी बढ़िया है यहाँ और रूम भी बढ़िया है, काफी रूम है दोस्तों। गुरु अंगद देव धर्मशाला है ये पंजाब भवन में। और ये एक रूम लिए थे हमने, देखिए दोस्तों दो रूम लिए हमने, 750 रुपये का एक रूम दिया है। एसी रूम है दोस्तों, यहाँ पे भी बालकनी है, ये देखिए देखिए। चलिए आपको बाहर लेके चलता हूँ इसके। ये देखिए दोस्तों आरओ वाटर भी है यहाँ पे अवेलेबल, पानी की भी सुविधा है। और ये बाहर का नज़ारा है यहाँ का, गुरु अंगद देव जी यात्री निवास। ये पंजाब भवन में पूरे यात्री निवास आते हैं और रुकने की बहुत अच्छी जगह है। अगर आप हुजूर साहिब नांदेड़ आते हो गुरुद्वारा में तो ये जगह बहुत अच्छी रुकने की मैं रेकमेंड करूँगा, कम बजट में पारिवारिक जगह है दोस्तों। यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, यहाँ से हम आगे निकलेंगे और अगला वीडियो डालेंगे महाराष्ट्र दर्शन के लिए।